वोकल सीरीज में सर वो वोकल टाइप के टीचर होंगे जो एग्जाम में तूफान मचाएंगे। बाबू आई होप आपने जो प्लेलिस्ट वोकल सीरीज की बना रखी है वो कंटिन्यू कर रखी हो बेटा। मैं जितने भी टॉपिक डाल रहा हूँ उनके अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स अवकलन समाकलन जैसे भी मिला बेटा, इनके अलग अलग पार्ट अलग अलग आ सकते हैं गैप दे दे के, जैसे आज अवकलन हो गया कल समाकलन हो गया ऐसे। लेकिन जो सारे क्वेश्चन है ना मैं सबके क्या बनाता जा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ, आपको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते सवाल नंबर पहले की ओर। बाबू क्या लिखा हुआ इसका में करना अवकलन बेटा, जब कभी भी आपको डिग्री नहीं दे तो इसको थोड़ा कन्वर्ट किया करो। किसमें डिग्री रखा है बेटा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। कैसे कैसे लिखूंगा सर, ये बात करता हूँ बाबू, एक डिग्री में कितना होता है सर, पाई बटे इतने रेडियन होते ना सर, अक्स में कितने होंगे तो अक्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब बाबू यहाँ पे हुआ पाई बटा 180 और इतने एक्स से। बाबू ये बताओ इसका अगर अवकलन करोगे साइन का क्या होता है सर, साइन का करेंगे तो हो जाएगा कोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा कोस हो जाएगा, कर दिया। अब बेटा एंगल का भी करेंगे, एक्स का तो हो गया ए और एंगल क्या है कॉन्स्टेंट वो आ गया एज इट इज। अब बाबू ये बताओ वाई डेस अपना एज इट इज है सर, ये तो आ गया कॉन्स्टेंट तो आ गया बाहर ही आगे आ गया, और बेटा इसको क्या लिखूंगा सर कोस रेडियन, क्यों बेटा ये पूरा सिस्टम किसका मान है रेडियन का मान है, तो बाबू अपने पाई ये मान आ गया। लेकिन बेटा इसका शॉर्टकट समझो, शॉर्टकट कैसे है, जब कभी भी डिग्री आ जाए कोई भी फलन हो उस पहले तो उस फलन को कर दिया करो, जैसे साइन इसको भूल जाओ डिग्री वगैरह, साइन एक्स का कोस एक्स और डिग्री आ जाए तो वहां पे पाई बटा 180 चिपका दिया करो। जैसे बेटा ये है अपने पास टेन का करना, देखो मैं सिखाता हूँ इसकी शॉर्टकट की सर, टेन का है टेन का क्या होता है सर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब बेटा डिग्री लग रहा है तो क्या लिखोगे इनटू में सर पाई बटा 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीन क्या लिखा बेटा सर, सेक का क्या होता है बाबू, सेक का होता है सेक एक्स और टेन एक्स सर, सेक एक्स हो गया और टेन एक्स हो गया। अब बेटा इसके गुणा में क्या लगाओगे पाई बटा 180 और चिपका दोगे। बेटा अगर आपने एनडीए का इस बार का एग्जाम दिया तो वहां पे छोटा सा सवाल था, आई होप आपने देखा होगा बच्चों के दिमाग में गोच पोच मच गई थी है ना। चलते सवाल नंबर चार की ओर। बाबू क्या लिखा हुआ इसका करना है हमें अवकलन डी वाई अपॉन में डी एक्स है। बेटा टेन इनवर्स का क्या होता है सर, आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बाबू, बाबू टेन इनवर्स का जो अवकलन होता है बेटा वो होता है एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर सर, एक्स के क्या है अंडर रूट ही है, चलो ठीक कोई बात नहीं सर, वन प्लस इसके स्क्वायर करेंगे तो एक्स एल जी टी। अब बेटा इसका भी करेंगे और अवकलन कितना था बेटा एक बटा अंडर रूट का एक्स आपका अवकलन, आई होप समझ गया होगा। चलते सवाल नंबर पांच की ओर, इसका किया तो डी वाई अपॉन में डी एक्स है। बाबू अंडर रूट लगाओ है और जब कभी भी अंडर रूट लगाओ उसका अवकलन क्या होता है बेटा एक बटा दो और अंडर रूट का एक्स, ये जो मान है उसका किया दिया एक, आई होप समझ गया था। करते इसका सर एक बटा दो और अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह रखेंगे ये वाली पूरी वैल्यू रख देंगे। अच्छा जी सर, अब सर क्या करेंगे अंडर वाले में करेंगे और टेन इनवर्स का मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर छह की ओर, क्या लिखा हुआ है सर डी वाई अब इसका कर दिया डी वाई अपॉन में डी एक्स है। बाबू साइन इनवर्स का जो अवकलन होता है बेटा वो कितना होता है सर, सर एक बटा दो अंडर रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर अवकलन होता है जी सर, एक बटा दो एक बटा अंडर रूट वन माइनस बाबू क्या सर एक्स का स्क्वायर, तो बेटा कितनी जगह पावर छह आ जाएगी ना, बिल्कुल आ जाएगी सर मल्टीप्लाई। अब इसका भी क्या करना है अवकलन है वो कहाँ पे गुणा में, बाबू इसको हाइड करो सर, पावर तो आ जाती है आगे और पावर एक हो जाती है कम। आई होप स्क्रीन पे जो छह सवाल बेटा आपको दे रखे हैं आपको समझ में आए थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, करते हैं बाबू सवाल नंबर सात से लेकर चौथा तक की सवाल की शुरुआत। बाबू क्या लिखा हुआ है सवाल नंबर सात, इसका अवकलन करना है बाबू में हमें सर, y का किया तो डी वाई अपॉन में डी एक्स है, साइन इनवर्स का क्या होता है बाबू मैंने अभी सवाल नंबर छह लिखवाया था वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है ये है इसका भी स्क्वायर कर दिया पावर की तरफ चार। अब गुणा क्या करना है इसका करना है अवकलन, तो कितना गया बेटा टू एक्स ये एज इट इज आ गया। अब डी इसका करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स है, बाबू ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, अच्छा सर ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स
ये लो एक ही पारो का एक ही पारो से, लेकिन बेटा हमें इसका भी करना है। इसका करेंगे तो सर माइनस का एक, तो बेटा इसको क्या लिखूंगा ई एक्स और माइनस का ई एक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई का किया तो बाबू डी वाई अपॉन में डी एक्स है, और बेटा लोगस का होता है वन अपॉन में एक्स, लोगस का क्या होता है वन अपॉन में एक्स, तो सर वन अपॉन में एक्स क्या है सेक है, तो लिख दो सेक ही। बेटा सेक का क्या होता है सर सेक एक्स और प्लस टेन एक्स होता है, बेटा इसको साइन पोस्ट में चेंज और कर लेना अगर ऑप्शन में करवा रखा है। आई होप साइन ये दे रखा बस आपने वहां पे क्या नाम ऑप्शन में। चलो जी करते सवाल नंबर 10 की शुरुआत। क्या लिखा है बाबू इसका दो बार अवकलन करना है, जो अवकलन आएगा उसका फिर से अवकलन करना है। सर आई होप दिख रहा होगा यहाँ पे, बेटा यहाँ पे दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा यहाँ पे आपको वाई का किया तो साइन किया तो बेटा कोस आ गया, अब कोस का फिर से करेंगे तो सर कोस का तो बेटा माइनस का साइन एक्स होता है, अब साइन की जगह आप वाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सवाल नंबर 11 इसका करना बेटा हमें दो बार अवकलन और एक्स बराबर क्या रखना है जीरो रखना है। सर वाई का किया तो डी वाई अपॉन में डी एक्स है, सर पावर तो आ गई आगे पावर एक हो गई कम, अच्छा जी सर पावर आ गई बेटा पांच कॉन्स्टेंट था एजिटिव पावर आ गई आगे पावर एक हो गई कम, बेटा कॉन्स्टेंट का क्या होता है जीरो। अब फिर से क्या करना होगा इसका हमें अवकलन करना है, पहले इसको सही लिखते हैं सर कितना थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया बेटा दस एक्स, सर अवकलन करेंगे तो फिर से करो बाबू इसका अवकलन फिर से, सर तीन एजिटिव पावर आ गया भी पावर एक कम हो गई, दस कॉन्स्टेंट है एक्स का किया तो एक हो गया, अब बेटा जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दो जीरो रख दो, बेटा यहाँ पे जीरो रखा तो पूरा उड़ गया, तो बचा क्या बाबू अपना जो राइट आंसर बाबू कितना आ गया दस अपना राइट आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया। चलते सवाल नंबर 12 बेटा इसका तीन बार अवकलन करना है, देखो सुनो सर पहली बार किया तो पावर बेटा आ गया गई पावर एक हो गई कम, अब फिर से इसका क्या करेंगे अवकलन तो डबल डेस बच जाएगा कॉन्स्टेंट है चार, अब बेटा पावर तो आ गई आगे और पावर एक हो गई कम तो कितना गया 12 एक्स स्क्वायर, अब इसका फिर से करना है तो लो बेटा कर देंगे सर 12 तो है कॉन्स्टेंट, अब पावर आ गई आगे और पावर एक हो गई कम तो बेटा कितना गया 24 एक्स आपका राइट आंसर हो गया। चलते सवाल नंबर बाबू इसका क्या करना है नया अवकलन करना है, लेकिन सर अवकलन कब करेंगे बेटा इसका जो मान होता है वो कितना होता है पाई बाई टू होता है सर, और कॉन्स्टेंट का पाई बाई टू और कॉन्स्टेंट का जो अवकलन बेटा कितना होता है जीरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लिखा बेटा अच्छा जी सर, सर सेक का किया तो बाबू देखो इधर इसका सवाल ही रहा, सर सेक का किया तो सेक अक्स टेन एक्स है, सेक का किया तो बाबू सेक अक्स और टेन एक्स है, सेक अक्स और बेटा ये क्या हो गया टेन एक्स हो गया, अच्छा जी सर कर दिया। अब बेटा टेन इनवर्स का करेंगे तो सर टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन में एक्स का स्क्वायर, अब बेटा ये तो कटता नहीं है और कट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आप चेंज वेट कर लेना ये तो वैसे कट ही जाएगा, ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर करते सवाल नंबर 15 से लेकर 20 तक बेटा लास्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा बाबू सर कोस का अवकलन करना है किसके सापेक्ष करना है बेटा साइन के, बेटा जब कभी भी ऐसे बहुत सापेक्ष वाले आजकल ये जो सवाल है बेटा बड़े ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कैसे करना सापेक्ष वाले सवाल, बाबू कोस का नया अवकलन करना है सर कोस का कर दो कर दिया तो बेटा क्या गया साइन हो गया, सर किसके सापेक्ष बोल रहा है साइन के सापेक्ष तो साइन का अवकलन कर दो साइन का किया तो बेटा कितना गया कोस, अब बेटा इसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा सर माइनस का टेन एक्स वाई का जिसके सापेक्ष बोले उसका अवकलन नीचे आपको करना है, सर e की पावर एक्स का करना है e की पावर एक्स का बेटा e की पावर एक्स है और बाबू साइन का किया तो क्या हो गया कोस हो गया, अब बेटा किसके सापेक्ष करना है कोस के सापेक्ष तो कोस का किया तो कितना गया माइनस का साइन एक्स, तो बाबू आपका जो राइट आंसर हो कितना आएगा सर e की पावर साइन एक्स वो भी किसका माइनस का और कोस बट्टा साइन बाबू क्या होता है कोट होता है, क्या होता है बेटा कोट अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर 18 की ओर क्या लिखा है सर टेन का हमें अवकलन करना है वो भी दो बार, टेन का किया तो बेटा कितना गया सर सेक स्क्वायर एक्स, अब बाबू एक बार फिर से करोगे तो सर पावर का किया तो पावर तो आ गई आगे और पावर हो गई बाबू कम, अब सर सेक का भी करेंगे और बेटा सेक का किया तो सर सेक एक्स और यहाँ पे आ गया टेन एक्स और पावर एक और दो कितनी हो गई दो, तो सर दो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ गया बाबू अपना टेन एक्स, इसको आगे साइन कोस में कन्वर्ट अगर करवा रहा तो आप कन्वर्ट कर लेना।
क्या लिखा हुआ है, वाई का हमें आउटपुट करना है। लो जी सर वाई का करना है, अब वो पावर तो आ गई आगे और पावर एक हो गई कम। अब कोस का किया तो सर माइनस का साइन, अब वो माइनस तो आ गया बाहर, तो अपना जो क्या बन गया प्रोग्राम साइन एक्स और कोस एक्स। अब ये फॉर्मूला अगर जीवन में आपने कभी मैथ पढ़ी है तो अच्छा जी सर मजे ले रहे हैं हमारे, है ना, बेइज्जती करवाने के लिए आए क्या, लाइक करने के लिए आए। हाँ जी सर, बेटा ये वाला जो सवाल है इस बार की एयरफोर्स की एग्जाम में आया, जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है बस कन्फर्म ये था वहाँ पे पाई पाई टू था बाबू। या तो बेटा इसको लोग लेके कर लो, और सर लोग लेके नहीं करोगे तो तीन को कॉस सेट एंड तीन को एजीटीज और चौथे का अवकलन, तीन को एजीटीज चौथे का अवकलन। देखो करने का स्टेप सुनो बेटा, दो तरीके बताओ इसका। सर इसका हमने अवकलन किया तो कॉस का हो गया माइनस का साइन एक्स हो गया, और बाबू ये वाला पूरा एजीटीज। अच्छा जी सर ये लो सर एजीटीज, ये लो भाई ये लो भाई ये लो भाई हो गया। अच्छा जी प्लस लिखा बेटा मैंने, अब इसका अवकलन करा सर, इसका अवकलन किया तो कितना गया सर टू साइन एक्स, और इस टू का किया तो बाबू यहाँ पे आ गया टू। अब यहाँ पे लिखो सर कितना गया कोस टू एक्स और कोस फोर एक्स और कोस एट एक्स। अच्छा जी सर प्लस एच डी, अब इसका करो अवकलन, अब इसका किया तो सर फोर और वो भी फोर गया, हाँ जी फोर साइन एक्स। अब यहाँ पे लिखो क्या, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, अच्छा टू लिख दिया गया। चलो जी सर यहाँ पे लिखा मैंने कोस एक्स और क्या लिखा टू एक्स, और यहाँ पे लिखा कोस एट एक्स लिख दिया। अब एट वाला तो एट वाला बाबू एच डी माइनस का साइन टू एक्स, यहाँ पे कौन कौन चाहेंगे सारा छोटे हैं ना कि एक्स टू एक्स और फोर एक्स। बेटा ये 45 है सर, यहाँ पे 45 रखेंगे तो कितना जगह 90 है, और कोस 90 का मान 0 सर, ये तो हो गया सर समझ लेंगे। अब ये 45 है बेटा, यहाँ पे 45 ही तो ठीक है सर, और ये 45 किया तो इसका तो मान एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा यहाँ पे किया तो सर 4 गुणा 45 ये लो पाई कितना बेटा 180 का मान कितना था, मैं इसके आगे चलो सर यहाँ पे तो नहीं बना बेटा, यहाँ पे लो करो इसको काटो कितना गया सर, कितना गया यहाँ पे 2π, और 2π का मान सर कितना होता है चलो करके देखेंगे। 2i यहाँ पे कर लेंगे आप सर, 2π का मतलब 360, 360 में कुछ जोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा सर, नो चेंज और कोई 0। अच्छा इसका भी मान एक होता है, तो बेटा एक तो अपने पास ये वाली वैल्यू बचेगी, क्या बचेगी ये वाली वैल्यू बचेगी। अब ये जो पाई का मान है यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखा तो सर ये हो गया 0, ये भी 0, और बेटा यहाँ पे रखा तो ये भी 0, तो सर पहला तीसरा और चौथा 0 बन गया। यहाँ से निकालेंगे रखे यहाँ पे, इसका जो मान है बेटा मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वाई डेस एच डी का वो अपना। अच्छा सर माइनस का 2 था, माइनस 2 लिख दिया बेटा, यहाँ पे 45 को 2 से बराबर 90 है, साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पे रखा तो सर साइन कितना गया साइन कोस 45, और कोस 45 की जो मान होता है बेटा 1/√2, तो वो सेम 45 यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखोगे तो 45 कितना था बेटा 2π, और 2π का मान कितना था, कितना था बेटा अभी अभी निकाला था ना सर कितना था 0, कोस 0 का मान कितना था बेटा, कोस 0 का मान होता है सर 1, और वो यहाँ पे फिर से कितना गया 8π, और 8π का जो मान आया था कितना, अच्छा यहाँ पे था क्या वो, अच्छा तो माइनस का 1 हो गया। अब वो माइनस और माइनस तो गए प्लस, अब सब कट पीट के जो अपना जो राइट आंसर कितना आएगा √2। लेकिन बेटा इस सवाल को दूसरे तरीके से करे तो सर लोग वाले से क्या करे क्या, चलो जी नहीं करेंगे ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा जी चलते सवाल नंबर इसकी ओर, क्या लिखा हुआ है वाई का किया तो बाबू, सर ऐसे कैसे कर रहे हो, ये प्राचलित वाला बेटा वाई का करेंगे थीटा के सापेक्ष, सर डी वाई अपॉन में डी थीटा, बाबू ए कॉन्स्टेंट है ए जी डी, थीटा का थीटा के सापेक्ष बन हो गया, साइन साइन का किया तो कोस हो गया, इसका किया तो डी एक्स और डिवाइड में डी थीटा ए जी टी और वन का हो गया 0, और इसका हो गया सर माइनस और माइनस प्लस का। अब हम इस वाले में भाग दे सर, यहाँ पे आ गया डी एक्स, यहाँ पे आ गया थीटा, तो बाबू लिखो ए, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए से ए तो कट गया बेटा, ऊपर कितना बचा इसको अगर लिखेंगे आगे सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूला बनता है 2cos²θ/2, और बाबू ये फॉर्मूला बनता है किसका 2sin(θ/2cos(θ/2, अब 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, ऊपर बचा cos नीचे बटा, तो कितना गया बेटा cot(θ/2), आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आज की जो क्लास में 20 सवाल हुए बेटा
वो आपको समझ में भी आएंगे और आपने चीजों को सीखा भी होगा। मैं थोड़ी देर के लिए साइड में जाता हूँ ताकि आप इसकी शॉट ले पाओ। वीडियो को रोक के इसकी शॉट ले लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।